नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के मोतिहारी में नल जल का विरोध हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सात निश्चय योजना की सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट नल का जल है। इस योजना से सूबे के मुख्यमंत्री का सपना था कि बिहार की हर जनता को शुद्ध जल मिले, जिससे हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले और वह स्वस्थ रहे। लेकिन उनके इस सपने को सपना ही बना दिया। यहाँ के उनके सरकारी मुलाजिम और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना साथ निश्चय योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के चोरमा पंचायत के वार्ड नंबर 1 नया का टोला गांव का है। यहां सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या मामला हल नल जल का? मामला यही है कि चोरमा पंचायत वार्ड नंबर 1 नया टोला का नल जल अभी तक चालू नहीं हुआ है। जहाँ तक की बात है, चोरमा पंचायत सात निश्चय योजना हर घर नल का जल पहुँचना है, लेकिन चोरमा पंचायत वार्ड नंबर 1 नायकटोला के जनता एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। और हम लोगों ने 23/3/2021 को BDO साहब को आवेदन दिया था, लेकिन BDO साहब भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये योजना लगभग 18 लाख के करीब का है, और आप देख रहे हैं किस तरह से काम हुआ है जो आपके सामने है। लगभग इसके बारे में आप वार्ड सदस्य को कहते हैं? वार्ड सदस्य को लगभग 6 महीना पहले बोला गया था। वो बोले कि हो जाएगा, अभी बोलने पे बोलते हैं कि इलेक्शन बाद में होगा। क्या पानी कभी मिला है आप लोगों को? नहीं, सिर्फ हल्ला हुआ है, इसके पानी की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हाँ। पानी लोग पब्लिक जनता तरस रहा है पानी के लिए, कब आएगा कब नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। वार्ड को बोला जाता है से भाई कब चालू होगा, तो इसका कोई ठीक नहीं है कब चालू होगा, इलेक्शन बाद होगा कि इलेक्शन से पहले होगा, बस टाल देता है, ऐसा कोई सुनवाई नहीं है। तो जनता इसीलिए खोजता है पानी हमारे गांव में जल्द से जल्द आए। क्या पानी कभी मिला है आप लोगों को? नहीं, सिर्फ हल्ला हुआ है, इसके पानी की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। हाँ। पानी लोग खबर बिहार के सहरसा से सामने आ रही है, जहां पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कियाला पदाधिकारियों ने कौशल कुमार ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मालूम हो कि आज ही एक दिन 1 अप्रैल 1954 को सहरसा जिला का स्थापना हुआ था। आपको बता दें कि प्रेक्षा गृह में जिला पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं केंद्र राज्य सरकार की चल रही सारी योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को चाबी देकर गृह प्रवेश एवं वैसे लाभुक जिनकी दूसरी किश्त बाकी है उन्हें चेक देकर घर बनाने के लिए कहा। भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर बिहार से आ रही है सामने, जहां पर बिहार के मोतिहारी में पकड़ी दयाल अंतर्गत थरबिदिया गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर शुक्रवार को गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा यज्ञ परिसर से निकाली गई, जो गांव भ्रमण करते हुए थरबिटिया उकाना बकीपुर चौक चोरमा होते हुए थरबिटिया पंचायत स्थित नदी में कथावाचक अनिल भाई शास्त्री जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलबूंझी किया गया। पुनः कलश यात्रा स्थल पर पहुंचकर यात्रा समाप्त हुई। इस कलश यात्रा को हजारों कलश यात्रा में हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याएं एवं महिलाएं शामिल थी। जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का क्या हुआ पुण्य जब उदय होता है, तब जाके श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। अतः सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में थरबिटिया ग्राम में पधार कर श्रीमद भागवत की कथा श्रवण करें। जन्मांतरी भवे पुण्यम कदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का क्या हुआ पुण्य।
एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कर्नाटक में लीगल 18 साल है और बीजेपी के राज्यों में 21 साल उम्र है। दिसंबर 2017 में इन लीगल शराब की 300 बोतल पाई गई थी। स्वाति मारीवाल ने नरेला में रैकेट को एक्सपोज किया। बीजेपी एक्साइज पॉलिसी का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि जो पैसा आता था वो बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई है कि दिल्ली में लिकर माफिया को खत्म किया जा सके। दिल्ली में लिकर माफिया को खत्म करना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूल के माफिया को खत्म किया है, टैंकर माफिया को खत्म किया है, प्राइवेट अस्पतालों के माफिया को खत्म किया है, उसी तरह से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत करी है कि दिल्ली में जो लिकर माफिया का पूरा होल्ड है, जिस तरह से पूरा कंट्रोल है। काशीपुर सीट बनी हॉट सीट। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले काशीपुर सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। काशीपुर सीट का चुनावी इतिहास भी काफी रोचक रहा है। वहीं एक बार फिर ये रोचकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर काशीपुर सीट पर चुनावी दंगल काफी मजेदार होने वाला है, जिसकी वजह से इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण जो भाजपा के 20 सालों के किले को ध्वस्त कर सकता है, जबकि कभी ये किला कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन क्या है इस बार चुनावी चौसर पर बिसने वाली बिसात, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूंगी, पिछले 19 सालों से निरंतर जनता का विश्वास भारतीय जनता के प्रति बना रहा है और आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि हम जो जितना हमें प्यार जनता ने दिया है, उसी तरह से हमें आगे आने वाले समय में भी जनता का वही स्नेह हमें मिलता रहे और हम उसी तरह से कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता भी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक आते दिख रहे हैं। अब लैंसडोन विधानसभा की जनता अपने क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने के लिए विकास से सरोकार रखने वाले प्रत्याशी को ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें आज लैंसडोन विधानसभा की जनता ने सिसलडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत को बुलाया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने समस्याओं से रंजना रावत को अवगत कराया। इस दौरान जनता ने रंजना रावत से लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपील की। बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले जो मेन समस्या है यहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सड़कें, बहुत बुरी स्थिति है। तीन इन चीज़ों पे हमारी सरकारों को काम करना पड़ेगा। और जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार के कोई साधन यहाँ पे नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार, उत्तराखंड सरकार चाहती है कि यहाँ से पलायन ख़त्म हो, तो बच्चों को रोजगार दे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करें और शिक्षा का स्तर को बढ़ाएँ और सड़क। पेंशन बहाली मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर आज राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड की जनपद इकाई पौड़ी गढ़वाल द्वारा नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस को समाप्त करने व पुरानी पेंशन व्यवस्था के समर्थन में आज महारैली एवं महाकुंभ का आयोजन हुआ। द्वार में हमारे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस के द्वारा एक भव्य विशाल रैली यहां पर आयोजित की गई है, जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में नियुक्त सरकारी सेवक हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली की उनकी लगातार मांग एनएमओपीएस के माध्यम से उनको कर रहे हैं, उसी मांग को देखते हुए आज ये रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से कर्मचारी जुड़ रहे हैं, लगातार हमारे साथ लामबंद हो रहे हैं, हम सरकार से ये बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि कर्मचारी जो
जब 30 से 35 साल सेवा में रहेगा और उसके बाद जब सेवानिवृत्त हो जाएगा और वो पुरानी पेंशन का लाभ उसे नहीं मिलेगा तो वो सड़क पर आ जाएगा। वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे अपने अंदर ये लग रहा है कि हमारे को पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल होनी चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए NMOPS लगातार। कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के आगाज के बाद अब कुंभ के रंग दिखने शुरू हो गए हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दृष्टिगत आज जहां एक तरफ बैरागी संतों की 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की, जहां पर अखाड़े की छावनी में फहराई गई धर्मध्वजा के कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष IG कुंभ मेला अधिकारी कुंभ के साथ कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। बड़ा उदासीन अखाड़ा के आज धर्मध्वजा की स्थापना में आए हैं हम लोग और कुंभ मेला के जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें धर्मध्वजा की स्थापना एक तरह से आगाज रहता है, उसके बाद पेशवाई होती है, फिर शाही स्नान का पूरा प्रतिभाग लिया जाता है सारे सम्मानित अखाड़ों के द्वारा। तो एक तरह से ये आगाज हो चुका है और बहुत ही दिव्य और भव्यता के साथ इस पूरे धर्मध्वजा की स्थापना का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है और इसमें जितने भी हमारे प्रशासन पुलिस और बाकी सब लोग इसमें पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ये इसी तरह से अब जितने भी जुलूस और जो बाकी जितने साथ हमारे सन्यासी अखाड़े के अलावा जो बैरागी के 3 और जो हमारे बड़ा उदासीन नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा उनके भी अब कार्यक्रम लगातार रहेंगे। बड़ा उदासीन अखाड़े के राजघाट कनखल स्थित पवित्र पावन छावनी में महाराज दक्ष प्रजापति के सानिध्य में आज हमारी धर्मध्वजा स्थापित हुई है। धर्मध्वजा स्थापित होने का तात्पर्य होता है कि आज से हमारा कुंभ मेला विधिवत प्रारंभ हो गया। अब जो भी संत भक्त ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में आएंगे उनका समस्त कुशल क्षेम बहन करना पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का दायित्व तो है। भोजन से लेके उनके शयन विश्राम और भजन पूजन आरती पूजा पाठ जो भी परंपराएं हैं कुंभ मेले की उनको पूर्ण करना आज से पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन प्रारंभ कर देगा। ये तब तक चलेगा जब तक आखिरी स्नान 27 अप्रैल का होके स्नान कराने के बाद देवताओं को फिर आकर के धर्म। राजस्थान के अजमेर में 9 बजे सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि राजस्थान में सभी जिलों में रात 9 बजे दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत आज अजमेर में भी दुकानदारों ने रात 9 बजे ही अपनी प्रतिष्ठान बंद कर राज्य सरकार के आदेश की पालना की है। कोरोना को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। फिलहाल के लिए राज्य के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़।